हेलो दोस्तों, तो आइए एक बार फिर से स्वागत है आपका आज की इस नई वीडियो में। तो गाइस, आज हम जा रहे हैं शिमला घूमने। तो ये एक हल्का सा व्यू देखो शिमला का है, और थोड़ा सा हम पहले बताएंगे कि क्या स्टोरी रही हमारी इस सफ़र की। हम जा रहे हैं शिमला घूमने, और यहाँ पे हमारी सवारी को अभी 5 किलोमीटर हुए जाते हुए, और जाते जाते भाई अभी उल्टियाँ हो गई शुरू। मतलब सवारी के तो मेरे लग रहा रास्ते पे छोड़ना पड़ेगा, उसके बाद मेरे को आगे निकलना पड़ेगा। चलो देखते हैं क्या होता है। तो धीरे धीरे सफ़र भाई आगे बढ़ता गया, और हम लगभग अभी चुराग को कर चुके हैं क्रॉस, और हम जा रहे हैं बाया चुराग होके सुनीताता पानी टू शिमला। और कसम से बहुत मज़ा आया इस टूर में, और धीरे धीरे हम शिमला पहुँचेंगे, तो शाम तक पहुँचेंगे लगभग। और बाकी तो सफ़र चल ही रहा था गाड़ी में, और उसके साथ शिमला का हमने लिया है ड्रोन शॉट्स भी, तो ड्रोन वीडियो भी दिखाएंगे आपको, और बाकी व्यूज़ भी कि शिमला के व्यूज़ आजकल बरसात में कैसे थे। तो भाई लोग, यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं, लगभग शिमला से 10 किलोमीटर बचे अभी थोड़ा सा, और काफ़ी थकान सी लग रही है कसम गाड़ी चला चला के। तो ऐसा लग रहा अभी मतलब कमर सीधी कर ले भाई, कहीं आज घूमने का तो बिल्कुल भी मूड नहीं है, और कल देखेंगे। आज तो अभी रूम बुक करते हैं, उसके बाद सो जाना आराम से, खाना खा के मिलते हैं बाद में। तो अभी पहुंच चुके हैं हम शिमला में, एंटर कर चुके हैं, और गाइस यहां पे थोड़ा सा एक मतलब परेशानी वाला सबक देखने को मिला कि यहां पे ट्रैफिक की ना बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कत आती है। कई जगह पे वन साइडेड रोड पास करने के लिए है, और दूसरी साइड से घूम के आना पड़ता है। अगर जिन बंदों को यहाँ का पता नहीं है तो फिर तो भाई वो तो घूमते रह जाएंगे, और चालान भी कटवा देंगे अपना, और जो कि चालान यहाँ पे बहुत महंगा लगा देते हैं, ये लोग छोड़ते भी नहीं। और ख़ासकर यहाँ पे टूरिस्ट इतने लोग होते कि मतलब रोड आधा रोड तो देख लो उन्होंने भाई कवर कर रखा है, अड़ते में देख लो भाई साहब पता है इतने आधे रोड पर चल रहा है फिर भी बोल रहा है कि भाई क्या कर रहा है। तो ये हालत है यहाँ पे, काफ़ी रिस्की यहाँ पे ड्राइविंग करना, और जो भी आता है तो मैं तो बोलता हूँ टैक्सी के साथ आना, पर्सनल व्हीकल तो प्रेफर मत करना, क्योंकि खुद का रिस्क रहेगा ज़्यादा अगर आपकी ड्राइविंग थोड़ी ढीली डाली है। तो ये शाम तक का टाइम हो चुका था लगभग, और हम भी लगभग शिमला में सही टाइम से पहुँच गए थे। और बाकी मार्केट का हाल है शिमला का, जो अभी एंटर कर रहे हैं, कम से कम मेरे ख्याल से 15-16 किलोमीटर के एरिए में तो पूरा शिमला कवर है ही। तो जितना आप सोचोगे कि एकदम से घूम लेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, इतना छोटा शिमला नहीं है, काफ़ी बहुत बड़ा एरिया है शिमला भी अपने नाम से। और अभी हम फिलहाल जाएंगे अपना रूम बुक करके सो जाएंगे, खाना खुना खा के, क्योंकि काफ़ी लंबा सफ़र था तो थकान सी और रखी थी। तो ठीक है, अभी रात का टाइम हो ही गया था, तो इतना क्या घूमना था, इसलिए हम सीधा अपने होटल की तरफ जा रहे हैं। ये बाईपास एरिया है यहाँ पे, ये एक्चुअल ढली का एरिया है बोलते इधर, तो शिमला दोनों तरफ से जा सकते वैसे, लेकिन कभी ये बंद कर देते इनके पसंद के हिसाब से, ट्रैफिक के हिसाब से चलता इनका सिस्टम यहाँ पे। और बाकी तो मज़े तो आ ही रहे थे, थोड़ा सा एरिया देख के या के थोड़ा सा नया माहौल में घूमना, शिमला किसको घूमना अच्छा नहीं लगता। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो नेक्स्ट पार्ट में हम अभी ये बताएंगे ड्रोन शॉट्स और बाकी शिमला का एरिया। तो जो मेरे लग रहा काफ़ी अच्छी लगी वो वीडियो आपको, तो तब तक स्टे ट्यून, जुड़े रहिएगा हमारे साथ, और लाइक सब्सक्राइब करके जाना प्लीज़।